एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में 10 से 15 जनवरी तक मकर संक्रांति पर्व घोषित किया है। इस दौरान महिला सशक्तिकरण गतिविधियों के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा 13 जनवरी को शहडोल में जनजाति वर्ग के भाई बहनों के साथ कार्यक्रम और 14 एवं 15 जनवरी को विभिन्न भारतीय खेलों और पतंगबाजी के कार्यक्रम प्रदेश में होंगे। माता और बहनों के लिए यह पर्व उत्साह और उमंग का अवसर होता है। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मकर संक्रांति पर उत्तरायण का प्रारंभ होता है, सूर्य देव दिशा बदलते हैं। उज्जैन के निकट डोंगला वैशाला में सूर्य देव को कक्षा बदलते देखा जा सकता है। मकर संक्रांति का पावन पर्व घोषित किया है 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, और उसी क्रम में इससे दो दिन पहले महिला सशक्तिकरण का हमने अभियान के अंतर्गत बड़ी कार्यक्रम किए थे। कल शहडोल में आदिवासी बहनों के बीच में मेरा एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 14 को और 15 को मकर संक्रांति के दिन भी आयोजन होंगे, जिसमें हमारे भारतीय खेल पद्धतियाँ पतंग से लेकर के सभी प्रकार के अलग अलग आयोजन और खास करके माता बहनों को स्वामी बहनों को ये जो पूरा समाज इस उत्सव को मनाता है। और जैसा कि हम सबको जानकारी है कि हमारे यहाँ उत्तरायण का प्रारंभ होता है, सूर्य नारायण अपनी दिशा बदलते हैं, दक्षिणायन समाप्त होता है, उत्तरायण प्रारंभ होता है। और ये स्थान साइंस की दृष्टि से भी मध्यप्रदेश में ये गौरवशाली स्थान डोंगला महिपुर उज्जैन जिले में आता है, जहाँ अपनी आंखों से हम देख सकते हैं कि सूर्य भगवान ने कैसे अपनी कक्षा बदली। वर्तमान के साइंस की दृष्टि से भी ये प्रूव हो चुका है, इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी भी इस पे काम कर रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।